वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आए प्यारे प्यारे बच्चों, मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय और हमारे गांव के प्रधान जी, सम्मान मंच, खंड शिक्षा अधिकारी, सभी शिक्षा के जुड़े सभी मेरे टीचर, अभिभावक और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सामने बैठे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले आपकी चरणा मछी झुकाकर आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी सर्दी आने में भी कुछ समय है, धीमे धीमे गुलाबी समय सर्दी आना शुरू हो गई है और प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी और मोदी जी का एक आह्वान क्लियर कर सर्दी आने से पहले सभी स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरण कर दिए जाए। पहली बार आपके यूपी में भी, पहली बार अलीगढ़ में भी एक कैंप और बच्चों को दी जाएगी। अभी कैंप आने वाली है, कैंप भी सभी को मिलेगी, आपके पहले कैंप नहीं मिलती थी, सभी बच्चों को कैंप भी मिलेगी। यहाँ पर मैं अभी धनीपुर में आया हूँ, बाढ़ की अभी धनीपुर में कैंप कुछ आ गई थी, अभी पूरी नहीं आई है, अभी आने आ रही है। और आप देख रहे होंगे कि आपकी यूनिफॉर्म जैसी है, इस समय जो कॉन्वेंट के बच्चे आते हैं स्कूल से पढ़ के बस में आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, वो भी निकल के जाता है और आप भी यहाँ से पढ़ के जाते हो, तो आपकी भी एक अलग पहचान होती है कि हाँ हम भी वहां से पढ़कर अपने प्राइमरी स्कूल से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान माननीय योगी जी और मोदी जी सरकार ने दिया है और शिक्षा का तो सबसे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पिछली बार देखा होगा कि बोर्ड की परीक्षा हमारे यहाँ पर चली थी, 40% छात्र शिक्षा को छोड़ के पेपर छोड़ के भाग गए थे, वो क्योंकि नकल विहीन परीक्षा कराना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। हम किसी भी कीमत पर यह नकल नहीं होने देंगे। एक शिकायत थी माननीय कल्याण सिंह बाबू जी की, जो नकल नाम की चीज नहीं थी, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री होते थे उस समय, नकल विहीन परीक्षा हुई थी, वो बच्चा आज भी याद करता है कि मैं कौन से जमाने का हूँ, माननीय कल्याण सिंह जी के जमाने का हूँ। बीच में आपने देखा होगा कि हाईस्कूल और इंटर करने के लिए एक लाइन लग गई, होड़ लग गई थी सरकार में, जो समाजवादी पार्टी सरकार आई थी उनको सिर्फ हाईस्कूल इंटर चाहिए, कैसे ही पुलिस में या पीएससी में भर्ती हो जाए, बच्चों का भविष्य खिलवाड़ की जाती थी, पैसे लेके सेंटर डाले जाते थे और हाईस्कूल जूनियर कैसे, हाईस्कूल और इंटर कैसे भी करे बच्चा और पुलिस में भर्ती हो चला जाए, ये भविष्य खिलवाड़ थी। हमारे और आपके बीच में आज बैठे प्यारे प्यारे बच्चे, इनमें पता नहीं कौन डीएम बनेगा, कौन एसएसबी बनेगा, कौन या खंड शिक्षा का कोई शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन सा टीचर कहाँ से क्या डिप्लोमा करके आया है, क्या कर रहा है। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि बच्चे हमारे जो स्कूल नहीं आ पाते, कभी छुट्टी निकाल लेते हैं और हमारे कहते घर में, अगर आज घर पे काम बहुत ज्यादा खेती में, चलो भाई तुम दोनों घर पर रहना, इसे विशेष ध्यान रखे, बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजे। आप गवर्नमेंट के लिए गाड़ी आती है, उससे पहले एक घंटे पहले नहा के बच्चे को तैयार करके बैठ जाते, ध्यान लेके गाड़ी आ रही होगी हमें बढ़ा के भेजना है। तो ये अगर इतने आधा भी ध्यान अगर आप देते प्राइमरी स्कूल में, तो आपका बच्चा जो बाहर जाने वाले बच्चे उनसे 21 बन के दिखाएंगे ये बच्चे। या समय से पढ़ाई होती है, समय पर गेम्स भी होते हैं, अभी जिले पर भी हुए थे गेम्स, ज्यादा खराब आज से बहुत अच्छा मतलब रहा है आपके यहाँ का, विद्यालय का भी एक छात्र दौड़ रहा है सर, एक छात्र यहाँ से भी जिले में टॉप हुआ है, मंडल में खेलने गया है, वो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव का नाम, हमारे ब्लॉक का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा जाके। तो मैं चाहूंगा कि सभी अभिभावक बच्चों पर विशेष ध्यान दें, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसे देखे क्यों नहीं गया उसे पूछे, और मैं खासकर टीचर से भी निवेदन करूंगा कि जो बच्चा दो दिन ना आए तो तीसरे दिन उसे अवश्य घर पर फोन करें या किसी को भेजें, वहां पर पूछे कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया हमारा, उसकी जानकारी अवश्य करें, कोई भी छुट्टी न करे किसी तरह से, हर बच्चा समय से स्कूल आए, समय से अपने घर पहुंचे, अभिभावक विशेष ध्यान रखें। और ये यूनिफॉर्म आपको दी जाती है, एक यूनिफॉर्म का ऐसा मतलब होता है कि आप यहाँ से जब सुबह घर से चलेंगे नहा के और कपड़े पहन के अच्छे आप कॉलेज जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगी कि हम यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, और इन्हीं को पहन के जाके तो भैंस घोल के पानी पिलाने चले जाओगे या खेत में काम करने चले जाओगे, ये यूनिफॉर्म बेकार हो जाएगी, दूसरे तरफ पहनोगे तो पहचान नहीं होगी ये बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, घर के कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो मेरा सभी से एक आग्रह हो रहा है कि सभी यहाँ से जाने के बाद अपनी यूनिफॉर्म घर तार के रखेंगे अलग सुरक्षित जगह पर, और दूसरे दिन पहन के आएंगे तो ढाकर और यूनिफॉर्म पहनकर जब वहां से आएंगे तो आपकी अलग ही पहचान होगी। तो मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी के यहाँ पर दर्शन हुए, और खासकर जो बच्चों ने अभी यहाँ पर देखा होगा एक अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी थी अपनी, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, एक बच्चा एक भय तो खुलती है, सामने मंच पर तो आता है, कम से कम उसे मौका मिलेगा तो मंच पर भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। इसलिए आप सभी का, पूरे खासकर इस स्टाफ का, गाँव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, इसका इंटरलॉक करा दूंगा मैं आपसे बात करूँगा, हो जाएगा, इसमें पानी नहीं भरेगा और रोड से ऊंची मिट्टी पड़ के कम्प्लीट कराएंगे, और बाउंड्री अगर नीचे भी है तो थोड़ा बाउंड्री भी ऊंची कराएंगे, और इस ग्रुप में बहुत अच्छी व्यवस्था रखेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे भी याद रखें, बहुत बहुत अच्छी श्रृंखला में आगे में भैया मैडम को आमंत्रित करूंगा। मैडम
माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में ऊपर से परम श्रद्धे परम आदरणीय माननीय विधायक जी के साथ आए हुए अन्य अतिथिगण, गांववासी, समस्त विद्यालय स्टाफ और पत्रकार बंधु, माननीय विधायक जी ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए जो अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला, उसके लिए हम हृदय की असीम गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।